और भी क्या हाल चाल है सबका, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भैया आज देख रहे हो यहाँ पर्दे के पीछे कुछ रखा हुआ है, तो ये है द अल्टीमेट गिटार स्टैंड। अब इसको मैं अल्टीमेट क्यों कह रहा हूँ, इसमें ऐसा क्या खास और यूनिक है, वो आगे आपको दिखेगा इस वीडियो में। तो चलो फटाफट पर्दा खोलते और देखते हैं कौन सा स्टैंड है इसमें। और भाई ये है गैलेक्स का GS 210। अब यहाँ पे भाई ये स्टैंड अल्टीमेट क्यों है, क्योंकि इसमें ऐसे कई यूनिक स्पेक्स हैं जो कि आपको यूजुअली किसी भी गिटार स्टैंड में देखने को नहीं मिलते। तो इस स्टैंड को आपको देख के लग रहा होगा यार बहुत छोटा स्टैंड नहीं है, लेकिन ये स्टैंड अल्टीमेट इसलिए है क्योंकि इस पे आप किसी भी तरीके का स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैंग कर सकते हो। अगर आपके पास कोई छोटा इंस्ट्रूमेंट है तो वो आप आराम से हैंग कर सकते हो, अगर कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट है तो वो भी आप आराम से हैंग कर सकते हो। इसके अलावा जब आप नहीं यूज़ कर रहे तो विद इन सेकेंड जो है आप इसको जो है फोल्ड कर सकते हो एंड आराम से कैरी कर सकते हो, और फटाफट फिर कहीं खोलना हो तो फटाफट ये खुल भी जाएगा और आप जितनी भी हाइट चाहो उतना इसको एडजस्ट करके लगा सकते हो। और यहाँ खाली ये बोलने की बात नहीं कि बस मैंने आपको ऐसा डेमो दिखा दिया, मैंने जो है काफी सारे गिटार इस पे रखकर भी ट्राई किए हैं। इस पे आप अकूस्टिक गिटार, क्लासिकल गिटार, स्ट्रैट, सुपर स्ट्रैट, लेस पॉल, इसके अलावा 7-स्ट्रिंग गिटार, 8-स्ट्रिंग गिटार, इसके अलावा कोई भी एक्सट्रीम शेप गिटार हैंग कर सकते हो इस पे बहुत ही आराम से, और इसके अलावा 4-स्ट्रिंग, 5-स्ट्रिंग, 6-स्ट्रिंग बेस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक यूकेलेले भी आराम से हैंग कर सकते हो। तो भाई आपने देख लिया कितने तरीके के गिटार आप इजीली इस स्टैंड पे हैंग कर सकते हो। इसके अलावा आप वायलिन, चेलो, मैंडोलिन जैसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी आराम से इस स्टैंड पे हैंग कर सकते हो। बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन रह जाता है, वो है हेडलेस गिटार, क्योंकि भाई हेडलेस गिटार में हेड ही नहीं होता तो यहाँ पे वो कैसे भी लॉक होगा। तो मेरे हिसाब से हेडलेस गिटार के लिए नहीं है ये स्टैंड। गैलेक्स GS 210 में आपको दो कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, एक तो है ब्लैक विद ब्लू एक्सेंट्स और दूसरा है ऑल ब्लैक कलर। तो कलर ऑप्शन के अलावा यहाँ GS 210 में आपको जो है एक ट्रैवल बैग का कॉम्बो भी मिलता है, जिसमें आपको भाई एक डेडिकेटेड बैग मिलता है स्टैंड के लिए, तो आप जो है आराम से स्टैंड को फोल्ड कर सकते हैं और जो है कैरी कर सकते हैं। तो GS 210 में आपको कुछ वेरिएंट भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे है GS 211 और यहाँ पे है ये GS 212। तो GS 210, 211 तो सिंगल गिटार स्टैंड है, GS 212 डबल गिटार स्टैंड है, और इसमें एक 4 गिटार स्टैंड भी आता है GS 214। गैलेक्स GS 210, 211, 212 जो है ये देखने में काफी आइडेंटिकल है, इनकी बिल्ड क्वालिटी भी एकदम सेम है, लेकिन यहाँ पे जो डिजाइन है, जो फॉर्म फैक्टर है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि जो GS 210 है उसमें क्या है कि आप जब गिटार को हैंग करते हैं तो यहाँ गिटार का हेडस्टॉक तो लॉक हो जाता है और जो उसकी बॉडी है वो इसकी लेग्स पे रेस्ट करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी लेग्स पे फोम लगी हुई है, तो ये बड़ा एक कन्वीनियंट फीचर लगता है मेरे को GS 210 का। इसके बाद जो GS 211 है वो देखने में GS 210 जैसे ही है, लेकिन यहाँ इसकी लेग्स में कोई भी फोम नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब आप गिटार को हैंग करते हैं तो यहाँ पे एक बैक सपोर्ट आपको मिलता है स्टैंड में, तो ये बेसिकली जो गिटार की बॉडी है उसको सपोर्ट देता है। तो इस तरीके से जो है आप इस पे गिटार को हैंग करते हैं। और यह GS 210 का ही डबल गिटार स्टैंड वर्जन है GS 212। और यहाँ पर्सनल प्रेफरेंस की बात करूँ तो मुझे पर्सनली जो है गैलेक्स का GS 210 बहुत बढ़िया लगता है, ये मेरे को सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट और सबसे एर्गोनॉमिक लगता है इन सभी मॉडल्स में। बाकी यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है, जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं, वो सब इन सारे मॉडल्स में सेम है, बस जो जो डिफरेंस होंगे वो आगे मैं वीडियो में बताते जाऊंगा। यहाँ पे इन गिटार स्टैंड्स की जो बॉडी है वो बनी है हाई ग्रेड एल्यूमिनियम एलॉय की। इन स्टैंड्स के बेस में आपको एंटी स्लिप रबर स्लीव्स देखने को मिल जाती हैं, और इन स्टैंड्स में ईवा फोम लगी है जो कि काफी लाइट है लेकिन काफी ड्यूरेबल और स्ट्रांग होती है। ईवा फोम के अलावा यहाँ पे आपको टीपीयू पैड भी देखने को मिलता है। तो ये ईवा फोम और टीपीयू पैड का मेन यही बेनिफिट है कि ये आपके गिटार की फिनिश को इफेक्ट नहीं करता। इसके अलावा जो है आपके गिटार पे कोई भी स्क्रैचेस या डेंट नहीं आते जब आप गिटार इस स्टैंड पे प्लेस करते हैं। तो भाई ये जो ईवा फोम इसमें लगी हुई है ये डेफिनेटली काफी ड्यूरेबल है, क्योंकि ये स्टैंड जो है ना, मतलब मेरे पास ऐसे 2-3 स्टैंड्स पड़े, और आपने काफी सारी वीडियोस में ये गैलेक्स का स्टैंड देखा होगा, मे भी तब मिस कर दिया, लेकिन इस वीडियो के बाद मे भी आप मेरी पुरानी वीडियोस अगर देखोगे तो नोटिस करोगे। तो ये स्टैंड्स काफी ड्यूरेबल रहे हैं और ये फोम में कोई भी दिक्कत नहीं आई, मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि इसमें क्रैक आ गई हो या फट गई हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। तो ईवा फोम जो है काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी की होती है, और ये जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इवन जो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। और इस स्टैंड का मेन फीचर है ये सेल्फ एडेड ऑटो लॉक सिस्टम,
जो कि काफी रिलायबल रहता है। तो जैसे ही गिटार इसके कॉन्टैक्ट में आता है ये इंस्टेंटली हेडस्टॉक को लॉक कर देता है और गिटार को ओवरऑल स्टैंड पे सिक्योर रखता है। तो ये ऑटो लॉक फीचर तो है ही बहुत बढ़िया, लेकिन इसके अलावा इस पे आप जो है अराउंड 15 kg तक का वेट रख सकते हैं और इतना वेट सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस स्टील नीडल लगी हुई है जो कि ओवरऑल इस स्टैंड को काफी स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो इस स्टैंड की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्लेस की एक 6 kg की केटलबेल, तो यहाँ पे ये तो बहुत ही आराम से इस स्टैंड के ऊपर आ गई। इसके बाद मैंने एक एक्सट्रीम टेस्ट किया जिसमें मैंने 6 bricks को एक साथ स्टैक किया और यहाँ टोटल वेट इन ब्रिक्स का था 15 kg। तो ये 15 kg तो ब्रांड भी क्लेम करता है कि ये स्टैंड हैंग कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने फिर ये ब्रिक्स को हैंग किया इस स्टैंड पे एंड आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि यहाँ पे इस स्टैंड ने कम्फर्टेबली जो है ये ब्रिक्स के स्टैक को होल्ड करके रखा। यहाँ पे जो स्टैंड है जरा सा भी अनस्टेबल नहीं हुआ, हिला नहीं, एकदम मतलब अपनी पोजीशन में ही रहा और यहाँ ब्रिक्स जो है आराम से हैंग करी थी स्टैंड पे, तो मेरे को ये काफी इंप्रेसिव लगा। और इसके अलावा एक और एक्सट्रीम टेस्ट किया कि भाई मैं खुद भी चढ़ गया स्टैंड पे और ये स्टैंड तब भी काफी स्टेबल रहा। तो ये ड्यूरेबिलिटी टेस्ट काफी बढ़िया था, मेरे को काफी मजा आया, रिस्की भी था लेकिन यहाँ पे ओवरऑल इसकी क्वालिटी मेरे को पता लगी क्योंकि यार मैं तो इस स्टैंड को सिर्फ जो है गिटार के लिए यूज कर रहा था लेकिन यहाँ पे भाई देखना था कि 15 kg का वेट ले पाते कि नहीं। एंड डेफिनेटली बड़े आराम से जो है ना इसने 15 kg का वेट कैरी किया। तो बड़ा एक इम्प्रेसिव डिज़ाइन है और मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये छोटी सी जो नीडल है ये जो है इतना वेट झेल लेती है। GS 210 में आपको एक और खास फीचर देखने को मिल जाता है और वो है कन्वीनियंट हाइट एडजस्टमेंट। तो इसमें आप अपने इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से जो है स्टैंड की हाइट एडजस्ट कर सकते हो और इस स्टैंड को आप अप्रॉक्सीमेटली 2 feet to 4 feet की हाइट तक एडजस्ट कर सकते हो। तो आप इस स्टैंड को बहुत कन्वीनियंटली एक यूकेलेले के लिए भी यूज कर सकते हो और इवन एक बेस गिटार के लिए भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे GS 211 की बात करें तो GS 210 जैसा ही मैकेनिज्म होगा, बस यहाँ पे आपको जो है जो बैक सपोर्ट होता है उसको थोड़ा सा अप एंड डाउन मूव करना पड़ेगा एज पर योर इंस्ट्रूमेंट। तो बस इसमें भी सेम मैकेनिज्म रहता है जैसे कि GS 210 में है, लेकिन यह GS 212 में आपको जो है एक स्टैंडर्ड हाइट देखने को मिलती है। मतलब इसमें आपको वो फ्लेक्सिबल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें जो है एक स्टील की पिन भी है जिससे कि स्टैंड लॉक हो जाता है, जिससे आप जब दो गिटार किसी भी तरीके के लगाते हैं तो स्टैंड बहुत स्टेबल रहता है, इसलिए आपको जो है एक स्टैंडर्ड हाइट देखने को मिलती है स्टैंड में। और यहाँ भाई फीचर्स खत्म नहीं होते, इसके अलावा यहाँ पे एक और स्पेशल फीचर है और वो है ये गिटार बैग हुक। तो यहाँ पे इस गिटार स्टैंड पे जो है आप अपने गिटार के अलावा उसका जो गिग बैग होता है, गिटार बैग जो होता है, उसको भी आप हैंग कर सकते हो। तो ये फीचर आपको GS 210 211 में तो देखने को मिलता ही है। इसके अलावा यहाँ मेरे पास GS 212 है तो उसमें भी कन्वीनियंटली आप दो गिटार्स के साथ दो बैग्स को हैंग कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हुक दे रखा है गिग बैग के लिए मेरे को बहुत ही यूजफुल लगा क्योंकि देखो जब आप लाइव यूज कर रहे होते हैं ना गिटार, तो क्या होता है भाई आपका अपना पेडल बोर्ड या प्रोसेसर हो गया और आपका जो गिटार बैग है वो कहीं ना कहीं रुलता रहता है, कहीं गिरा होगा या सामने गिरा होगा, गंदा हो रहा होगा। और मैंने देखा कई लोग जो मतलब एक्सपेंसिव गिटार बैग भी यूज करते हैं उनका भी जो है ना खराब हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे ये एक बड़ा ही प्रैक्टिकल फीचर है कि आप जो है भाई स्टैंड पे अपना बैग लगा के रख सकते हो और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका बैग जो है वो लंबा चलेगा, वेल मेंटेन रहेगा। तो भाई मैंने आपको इसके क्या क्या खास फीचर्स थे उसके बारे में बता दिया, इसके अलावा इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी कर लिया। अब बात करें प्राइस की, तो यहाँ पे देखो ये एक प्रीमियम गिटार स्टैंड है तो भाई प्राइस भी थोड़ा सा इसका प्रीमियम है एज पर अ गिटार स्टैंड। तो GS 210 जो है वो आपको करीब 3,500 to 4,000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाएगा और सिमिलरली GS 211 भी आपको जो है इसी प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। GS 212 जो है वो आपको 4,000 to 4,200 की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा और जो GS 214 है वो राउंड अबाउट 8,000 रुपीस का है। तो देखो यहाँ पे ये जो प्राइस है वो एकदम जस्टिफाइड है क्योंकि इस तरीके के जो स्टैंड्स होते हैं, मतलब आप किसी और भी ब्रांड में देखोगे जिसमें इससे कम फीचर्स होंगे डेफिनेटली वो आपको राउंड अबाउट 4,000 रुपीस का देखने को मिलेगा। तो इसकी क्वालिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी और जो भी यूनिक फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं उस हिसाब से इसका प्राइस एकदम जस्टिफाइड है। और अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये आपको कई ऑफलाइन स्टोर्स पे तो देखने को मिल ही जाएगा, इसके अलावा ऑनलाइन आप इसको अमेजोन और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, जो भी बेस्ट बाय लिंक है वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो भाई यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो देखो कॉन्स इस स्टैंड में सच कुछ भी नहीं है, मतलब दिस इज अ वेरी नाइस स्टैंड, इट इज परफेक्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पे आप कोई भी गिटार टांग सकते हो एक्सेप्ट अ हेडलेस गिटार, बस मेन एक यही चीज है कि भाई हेडलेस गिटार वालों के लिए ये यूजफुल नहीं रहेगा, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे यार मतलब मेरे को इसमें कोई भी कमी नहीं लगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और इस तरीके के स्टैंड्स मेरे पास पहले भी थे,
तो ये जो डिज़ाइन है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड वन ऑफ द मोस्ट एर्गोनॉमिक डिज़ाइन जो कि आप अपने घर पे, स्टूडियो में या लाइफ सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये गिटार स्टैंड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।